एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन भी है। ये मैंने आपके लिए ग्राफ पहले ही बना के रखा हुआ है इसका। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसके लिए ना बिग ब्रैकेट्स ऐसे लगती हैं। जब भी बिग ब्रैकेट्स लगी हों उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। जैसे 8.5 है, अब इसका आंसर क्या होगा, 8.5 से छोटा या 8.5 या 8.5 या 8.5 से छोटे, जितने इंटीजर्स हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो है 8। 9.79 या 9.79 या 9.79 से छोटे, जितने भी इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर यानी ये आंसर होगा। मीन्स जब भी ऐसे बिग ब्रैकेट डाली हो, 0.-0.45, इसका मतलब क्या होगा, 0.45-0.45 या -0.45 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं उसमें से बड़ा सबसे बड़ा इंटीजर -1। अब -2.9 इसका मतलब क्या है, -2.9 या उससे छोटे, सॉरी -2.9 या उससे छोटे जितने इंटीजर हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो -2 होगा। तो अब मेरी बच्चों बात ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ कैसे बना, सीडी की शेप में क्यों ग्राफ है इसका, इसकी इम्प्लीकेशन देखिए क्या है। अब देखिए मेरी बात सुनो, जब ये होलो सर्कल्स की इम्प्लीकेशन ध्यान से देखना, जब एक्स वन है तो वाई क्या है, वन, एक्स 1.1 वाई 1, एक्स 1.2 तो भी वाई 1, एक्स 1.9 वाई 1, जब एक्स 2 है तो वाई 1 नहीं है। देखो इसके सामने होलो सर्कल है, जब एक्स 2 है तो यानी वाई 2 है, एक्स 2.1 है वाई 2 है, एक्स 3 2.9 है वाई 2 है, पर जब एक्स 2 है तो वाई 2 नहीं है, होलो सर्कल है। मीन्स जब एक्स यहाँ पे देखिए, जब एक्स दोबारा से देखिएगा, जब एक्स 2 है तो वाई 1 नहीं है, अगर एक्स 1.9 है तो वाई 1 है, एक्स 2 है तो वाई 1 नहीं है, एक्स 2.1 है तो 2 है, देखो एक्स 2.9 है तो वाई 2 है, पर जब एक्स 3 है तो हमारा 2 नहीं है, तो मीन्स वहाँ पे क्या है, 3, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 का तो 2 ही होगा, 2.9 या 2.9 से छोटा जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर इज 2। अब 3 का मतलब क्या है, कि 3 या 3 से छोटे जितने भी इंटीजर है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 3 लिखा हो, इसका मतलब क्या है, 3 या 3 से छोटे जितने इंटीजर भी हैं उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 3, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया 3 का। तो मीन्स इसका मतलब क्या, अगर 3 है तो मीन्स मेरे पास 2 नहीं है, क्या है, 3 है, जब 3.1 है तो भी 3 है, जब 3.9 है तो भी 3 है, पर जब 4 है तो 3 नहीं है, होलो सर्कल है, तो जब 4 है तो मीन्स मेरा क्या आंसर है, यहाँ से 4 है। तो ये इसीलिए सीढ़ियों की शेप बनी है, ये सीढ़ी की इम्प्लीकेशन मैंने तुम्हारे को बता दी है। यहाँ से अगर मैं माइनस वाली साइड पे जाऊँ, अगर -0.1 है तो उसका आंसर क्या है, -1, -0.2 है तो -1, -0.9 है तो भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे -1, जब -1 है तो -1 ही है, पर जब जी अब यहाँ से देखिएगा, जब -1.9 है, जब -1.1 है तो मेरे पास क्या हो गया, 1.1 पे ये -2, 1.9 पे भी -2, पर जब -2 होगा तो देखिए, जब -2 है तो आंसर -2 ही होगा, जब -2.1 होगा मीन्स -2 पे -2 ही होगा, -3 नहीं होगा, -2 पे -2 ही होगा, देखो यहाँ पे कोई होलो नहीं, इधर होलो है, मीन्स -2.1 पे -3 होगा। ठीक है जी, ये इम्प्लीकेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करवा दिया, अब ये ग्रेटेस्ट है मीन्स एक होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, फ्लोर फंक्शन। अब मैं आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सीलिंग फंक्शन, ध्यान से देखिएगा सीलिंग फंक्शन को। सो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन में हम बेसिकली ग्रेटेस्ट में ऐसे दोनों ब्रैकेट्स डालते हैं ना, सीलिंग फंक्शन में सिर्फ ऐसी ब्रैकेट डलती है। तो
तो सीलिंग फंक्शन जैसे 4.7, इसका मतलब क्या होगा 4.7 या इससे बड़े जितने इंटीजर है। ग्रेटेस्ट में क्या करते थे, ग्रेटेस्ट में हम करते थे 4.7 या उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उसमें से सबसे बड़ा इंटीजर। मीन्स इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसका दूसरा नाम सीलिंग फंक्शन है, इसका सिंबल ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसमें हम देखते क्या है कि इससे बड़े जितने भी इंटीजर हैं 4.7 या 4.7 से बड़े जितने भी इंटीजर है उसमें सबसे छोटा इंटीजर दैट इज 5। इससे बड़े 4.7 से बड़े इंटीजर तो बहुत सारे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4.7 यहाँ पे ना, इससे बड़े तो इंटीजर्स बहुत आगे, उसमें से सबसे छोटा इंटीजर इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका दूसरा नाम सीलिंग फंक्शन है। तो अब इसका ग्राफ देखिएगा ध्यान से, है इसका भी सीडी टाइप ग्राफ ही है, पर उसमें जो उनसी सीढ़ी थी वो ऐसे थी, अब इसमें सीढ़ी ऐसे ही है पर इसका जो उनसा गोला होगा इस तरफ ऐसे होगा, मीन्स इसका गोला इस तरफ ऐसे होगा, इसकी इम्प्लीकेशन अभी बताएंगे। मीन्स इसमें जो उनसा गोला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, अब इसकी इम्प्लीकेशन अभी बताने जा रहा हूँ, एक सेकेंड। आपको इसकी इम्प्लीकेशन अभी पता चलेगी। इसका गोला कुछ इस तरह से है। ये हमारी इम्प्लीकेशंस अब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसकी इम्प्लीकेशन ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमारी सबसे पहली इसकी इम्प्लीकेशन, सबसे पहली मीन्स इसका, जैसे अब मैं आपको बोल दूँ -6.7, इसका मतलब यानी यहाँ पे एक तो पूरी ब्रैकेट्स ऐसे नहीं लगती, अगर ऐसे लगेंगी तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी -6.7 से बड़े जितने इंटीजर हैं। -6.7 से बड़े कौन से इंटीजर हैं, -5, -4, जैसे -7, 6, -5, -6.7, 6.7 इधर होगा, इससे बड़े इंटीजर्स इस तरफ होंगे, मीन्स जितने भी इससे बड़े इंटीजर है उसमें सबसे छोटा इंटीजर क्या है, -6। ये हो गया मेरे पास इसका आंसर, मीन्स इससे बड़े जितने भी इंटीजर हैं, इससे बड़े इंटीजर कौन से हो गए, -6, -5, -4, इससे बड़े जितने इंटीजर हैं उसमें से सबसे छोटा नंबर इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे 4.57 से जितने बड़े हैं 5, 6, 7, ये सारे बड़े इंटीजर हैं, इससे इसके बड़े जितने इंटीजर हैं उसमें सबसे छोटा नंबर इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ ऐसा ही क्यों है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो आंसर 0 ही होगा, पर जब एक्स की वैल्यू 0.1 होगी तो हमारे पास आंसर 1 होगा। मीन्स यहाँ पे 0 है तो मीन्स ये यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है, मीन्स जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 ही होगा, पर यानी यहाँ पे होलो सर्कल है, 2 नहीं होगा इसका मतलब, पर जब एक्स की वैल्यू 1.1 होगी तो आंसर क्या होगा, 2। 1.2 होगी तो आंसर 3। 1.9 सॉरी 1.1 होगा तो 2, 1.5 होगा तो भी 2, 1.9 होगा तो भी 2, पर जब 2 होगा तो भी 2, 2.1 होगा मीन जब 2 था तो ऊपर होलो सर्कल है इसका मतलब ये नहीं होगा 3, 2 है तो यहाँ पे 2, जब 2.1 होगा तो मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 3, जब 2.5 होगा तो भी आंसर 3, 2.9 होगा तो भी आंसर 3। तो इस ये स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम है सीलिंग फंक्शन, दैट्स इट।